दोस्तों एक ऐसी मशहूर अभिनेत्री बड़ी ही चुलबुली अदा है जिनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर फिल्मों तक का दौर इन्होंने बतौर हीरोइन देखा। इनका नाम है तनुजा। तनुजा जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1943 में। इनकी माँ शोभना समर्थ खुद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और इनके पिता कुमार सेन समर्थ एक बड़े कवि और फिल्म डायरेक्टर थे। तनुजा जब छोटी ही थी तब इनके माता पिता अलग अलग हो गए। इसके बाद तनुजा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में नजर आई। सन 1950 में इनकी बड़ी बहन नजर आई थी फिल्म हमारी बेटी में, और इसी फिल्म में तनुजा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। फिर आई फिल्म 1960 की छबीली। ये फिल्म इनकी माँ शोभना समर्थ ने डायरेक्ट की थी और इनकी बड़ी बहन नूतन इस फिल्म की हीरोइन थी। तनुजा बतौर हीरोइन नजर आई फिल्म हमारी याद आएगी में। इस फिल्म के डायरेक्टर थे केदार शर्मा जी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है, जब एक्टिंग के दौरान तनुजा एक सीन को अच्छी तरह नहीं कर पा रही थी और फिल्म के डायरेक्टर केदार शर्मा ने सचमुच में इन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। ये नाराज हुई, नाराज होकर पहुंच गई अपने घर। जब इनकी माँ को इस बारे में पता चला तो इनकी माँ ने इन्हें दो थप्पड़ और लगाए और कहा कि जिंदगी में कभी भी शूटिंग छोड़कर मत आना। इसके बाद तनुजा नजर आई थी बाहर फिर भी नजर आएंगी। इस फिल्म में इनके हीरो थे गुरुदत्त, लेकिन गुरुदत्त की आकस्मिक मौत से इस फिल्म के हीरो बनाए गए धर्मेंद्र। तनुजा को कामयाबी तो हासिल हो रही थी लेकिन इनकी अच्छी पहचान अभी बाकी थी। जितेंद्र साहब के साथ इनकी फिल्म आई जीने की राह। इस फिल्म के बाद तनुजा ने कभी भी पलट कर नहीं देखा, ये बन गई सुपर हीरोइन। इसके बाद हाथी मेरा साथी, मेरे जीवन साथी ऐसी फिल्में की इन्होंने उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। इनकी जोड़ी भी खूब पसंद की गई। तनुजा ने केवल हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि बंगला फिल्मों में भी काम किया। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि देवानंद साहब ने अपना एक बहुत ही अनोखा सपना इनसे पूरा करने के लिए कहा। देव साहब ने इनसे कहा था कि तुम हरे रामा हरे कृष्णा में जेनिस का किरदार निभाओ। तनुजा ने इस बारे में यह कहकर मना कर दिया था कि वो किसी की बहन का रोल कैसे कर सकती हैं। वो बनेगी तो हीरोइन, हीरो की बहन नहीं। इसके बाद ये रोल जीनत अमान ने निभाया। तनुजा को फिल्म ज्वेल थीप के लिए बतौर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन फिल्म पैसा या प्यार के लिए इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब जीता। तनुजा जी का विवाह हुआ था शोमू मुखर्जी से, साल था 1973। इस शादी से इन्हें दो बच्चे पैदा हुए, काजोल और तनिषा। काजोल और तनिषा दोनों ही फिल्मों में आई। काजोल तो सुपरस्टार बनी लेकिन तनिषा जरा पीछे रह गई। मशहूर सुपरस्टार फिल्म अभिनेता अजय देवगन तनुजा के दामाद हैं और काजोल के पति। इनका भांजा है, नाम उसका मनीष बहल। सशादर मुखर्जी की ये बहू हैं और रिश्ते में किशोर कुमार, अनूप कुमार, अशोक कुमार इनके मम्मिया ससुर लगते हैं। तनुजा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। पैसा या प्यार, दूर का राही, मेरे जीवन साथी, कामचोर, याराना, हर बार इनके अभिनय को बहुत सराहा गया। ये बात सही है कि 80 के दशक में ये फिल्मों से जरा दूर हो गई, लेकिन उसके बाद ये फिर बतौर आर्टिस्ट बनकर आई। तनुजा उन गिनी चिनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट देखा। तो फिर कलर सिनेमा, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र की ऊंचाइयां देखी। ऐसी अभिनेत्रियां बहुत मुश्किल से बनती हैं। निसंदेह भारतीय सिनेमा के इतिहास में तनुजा जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।